बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 इक्वेजन एक्सरसाइज है 3.8 और टॉपिक का नाम है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेजन्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 14 और केस नंबर 9 डिस्कस करेंगे। पेज नंबर है 85 और 86। पहले क्वेश्चन मैं आपको केस नंबर 9 के बारे में जो ब्रीफ कर देता हूँ। केस नंबर 9 ये कह रहा है कि व्हेन बोथ इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, जब दोनों इक्वेशन जो सॉल्व करने के लिए दी जाएंगी वो इस फॉर्म में होंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन, पहले आपने पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने जो मेथड सीखा था इसमें कि इसमें हम कांस्टेंट को कांस्टेंट वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। अब कांस्टेंट तलाश करते हैं, यहाँ पे माइनस टू कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे माइनस वन है। अब दोनों को सेम करना है पहले और साइन भी ये सेम है, तो मैंने ऑपरेशन क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिखी, माइनस सेपरेट कराऊंगा मगर इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 को बाय 2 से कर दूंगा। तो अब आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिखी 2x² प्लस xy माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x² प्लस 2 टू द 4xy प्लस 2y² माइनस 2 वन जा 2 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कराऊंगा तो प्लस का साइन माइनस बन गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, यहां पे माइनस 2 और प्लस 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2x² प्लस का और माइनस 2x² ये भी ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, बस माइनस के 4xy में से प्लस का 1xy गया, माइनस का 3xy और माइनस का 2y² इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों टर्म्स हैं नेगेटिव तो इनको उधर शिफ्ट कर दीजिए, पॉजिटिव हो गए, यानी कि 2y² प्लस 3xy इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन निकालेंगे आप तो 2y प्लस x इज इक्वल टू 0 बचेगा। फिर इसको आइदर करके हम मजीद सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहां तक इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे इसको डिफाइन करूं। अच्छा, अब देखिए मैं इसको फर्दर मोर सॉल्व कर रहा हूं और यहां पे मैंने आगे लिखा है आइदर वाई इज इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन में 3 का नाम दे दिया, 2y plus x is equal to 0, 2x, 2y plus x is equal to 0। अब यहां से किसी ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकालनी है, मैंने x की निकाली, इस 2y को शिफ्ट कर दिया, माइनस 2y हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब दो लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब इसको वैसे सॉल्व करेंगे जिसने प्रीवियस केसेस में हम करते हैं। तो मैंने क्या किया, पुट 3 इन 1, 1 में पुट कर दिया, 3 की वैल्यू क्या है, y is equal to 0। आपने क्योंकि 1 और 2 इक्वेशन सिमिलर है, किसी एक में भी पुट करेंगे आंसर वही सेम आएगा। तो वन में देखिए 2x² प्लस एक्स वाई की जगह मैंने 0 रिप्लेस किया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 से x मल्टीप्लाई का खत्म हो जाएगा, माइनस 2 को उधर शिफ्ट कर दिए, प्लस 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² इज इक्वल टू 1। स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट बनेगा और स्क्वायर रूट 1 जो होता है 1 के बराबर ही होता है, आपको स्क्वायर रूट डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हमें ऑर्डर पेयर जो है मालूम करना है। अच्छा, ऑर्डर पेयर में एक्स वेरिएबल है पहले और फिर वाई, एक्स की दो वैल्यूज है और वाई की वैल्यू तो यहाँ पे आई नहीं, वाई इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब दो ऑर्डर पेयर बनाना, एक्स 1 ले, वाई 0 ले एंड एक्स की वैल्यू माइनस 1 ले और वाई 0, ये दो ऑर्डर पेयर आपको बस आसानी से मिल गए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4, इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पुट 4 इन 1, पुट 4 इन 1, 1 में पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब x की जगह माइनस 2 y पुट किया, स्क्वायर प्लस x की जगह माइनस 2 y और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्क्वायर से माइनस बन गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8 y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 2 y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए 8y² में से माइनस 2y² गया तो 6y² बचा और माइनस 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, मैंने प्लस 2 बन गया, तो 6y² इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया।
अब मुझे यहां से वाई की कीमत चाहिए, तो 6 मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके डिवाइड करेगा। अब देखिए इधर 2 × 2 × 2 × 3 = 6, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/3 के बराबर आ गई। अब हमें y चाहिए, स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दीजिए, प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 और √3 आ गया। अब मैं √3 को रैशनलाइज करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 अमूमन हम आंसर में नहीं लिखते हैं, तो मैंने क्या किया √3 को खत्म करना है तो √3 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, √3 = √3, सेम रूट मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, तो y की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस √3/3। अब आप एक काम करेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू √3/2 पॉजिटिव वैल्यू ली, पुट इन 4 में पुट कर दिया। अब देखिए 4 यहां पे 4 इज इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई -√3 के बराबर आ गई। अब ऑर्डर पेयर में x पहले लिखना है फिर y लिखना है, x की वैल्यू -√3 और y की वैल्यू क्या है √3/3। अब आपके पास एक वैल्यू रह गई है, यहां तक इसको नोट डाउन कर ले, फिर एक ऑर्डर पेयर और निकालूंगा और उसके बाद फिर सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। मैं यहां का रिमूव कर रहा हूं जब तक। अब आप एक काम करेंगे कि व्हेन y की वैल्यू -√3/3 पुट इन 4 4 इज इंप्लाइज दैट। अब देखिए x इज इक्वल टू -2 × √3/2 और माइनस माइनस प्लस x की वैल्यू आ गई √3/3। अब आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे, x की वैल्यू √3/3 और y की वैल्यू -√3/3, ठीक है। इसके बाद आप ये काम करेंगे कि चारों जो सॉल्यूशन सेट्स आए ऑर्डर पेयर आए इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं और यहां पे इसका सॉल्यूशन सेट लिख के फाइनल आंसर लिखूंगा। देखिए सॉल्यूशन सेट, पहला ऑर्डर पेयर 1, 0 -1, 0 एक -√3/√3/3 है और एक √2/√3/-√3/3 और यहां पे आप आंसर लिख देंगे, ये आपका फाइनल जो है सॉल्यूशन सेट आ गया। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए सॉल्यूशन को। और इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नए सवाल के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सऊद सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।